इस टाइम हम खड़े हैं गांव तिरछी में, और जिस बीट में हम खड़े हैं जहाँ जो आग लगी हुई है, जो 61 बीट है ब्लॉक वली और रेंज उधमपुर, तो सर बड़े अफसोस से जो मुझे कहना पड़ रहा है कि आज लगातार 15 दिनों से इसी गांव में तिरछी रोड में अलग अलग जगहों पर आग लगी, और मैं देखता हूँ कि फॉरेस्ट के एक दो गार्ड आते हैं, कोई उच्च अधिकारी इस इधर नहीं पहुँचा, तो इसका मुझे नहीं पता चला कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पूरे जंगल जो हैं हरे भरे जंगल तबाह हो गए हैं आग के कारण। बहुत सारे झुंड लगे हुए थे इधर, छोटे छोटे पौधे लगे थे हजारों के संख्या में, और वो करोड़ों का लॉस हो गया सरकार का, मगर किसी ने सोध नहीं ली कि हमारी नर्सरी बच रही है कि नहीं बच रही है। और लोकल लोगों की बात करूँ तो लोकल लोगों से मेरा जब भी बात होती है कि भाई आग लग गई है तो आग बुझाने जाना है, तो मैं देखता हूँ कि लोकल लोग भी इसमें ताबन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि लोगों में रोष है कि फॉरेस्ट वाले बिल्कुल, वो बोलते हैं कि फॉरेस्ट वाले हमारे साथ बिल्कुल तालमेल नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, आग तो देखो भाई मिस्टेक लगती है जहाँ कोई जानबूझ के लगाता है, हम तो इस पर मतलब कह नहीं सकते हैं, मगर कई बार पिछले मैं 5 साल से लगातार देख रहा हूँ, इसी गाँव में रह रहा हूँ 5 साल से, कई इससे भी भयंकर आग लगी थी, और हम रात को ही आधे घंटे में 100-150 लोग इकट्ठे हो जाते थे और आग को काबू पा जाते थे, 100-150 जगह जो है थी वो खत्म होती थी, बाकी जंगल पूरा बचा लेते थे। तो मैं पिछले दिनों मेरे 2-4 दिन पहले बात हुई कि भाई आपको हमारा काम कर्तव्य बनता है और हमारा फर्ज है कि हमारा जंगल बचा रहे, तो उन्होंने बस यही बोला कि जब हमें लकड़ी चाहिए होती है तो सरपंच साहब आप कहाँ होते थे उस टाइम, हम मतलब हमारे जूते घिस जाते थे DFO ऑफिस में चक्कर लगा ला के। और ये बिल्कुल रियलिटी है सर, मैं आपके माध्यम से मतलब हाई अथॉरिटी को बताना चाहता हूँ कि खासकर जो हमारी रेंज है, जे रेंज नहीं, मैं रेंज नहीं बोलूँगा क्योंकि रेंज के बहुत सारे हो गए, खासकर इस बीट में जब भी किसी गांव के लोगों को लकड़ी चाहिए होती है तो मैं खुद DFO ऑफिस में कई बार गया हूँ। अली के मेरे एक पंच साहब हैं, उनके उन्होंने कम से कम 2 साल हो गए हैं एप्लीकेशन देते हैं और बोलते हैं पंच को लकड़ी नहीं मिलती है, पंच सरकारी मुलाजम है, तो जनाब अगर पंच अगर सरकारी मुलाजम हो गए तो हमारे गांव में सभी सरकारी मुलाजम है, किसको लकड़ी मिलेगी जंगल से, तो इसलिए लोगों में रोष हो गया कि अगर 2-2 साल से लकड़ी नहीं मिल रही है। मैं एक दो गरीब लोग हैं उनके बेचारों के मकान पूरे मूरे मकान गिर गए, तो उनका सामान भी मतलब मकान से ज़्यादा कीमती सामान होगा, सामान भी दब गया मकान के नीचे, और मैंने DFO साहब को फोटो तक भेजे थे कि सर ये मकान की कंडीशन है ये देखिए, मगर उस बंदे को लकड़ी मतलब 6-7-8 महीने बाद उसकी सेंक्शन हुई, वो भी क्या एक डेड ट्री 3-4 साल से पड़ा हुआ था, उसका कितना लकड़ी मिली होगी, अगर वो 1 साल और रहता तभी खत्म होना था, मगर कहीं ना कहीं तालमेल नहीं है हमारे साथ फॉरेस्ट वालों का। तो जो मैं आपके माध्यम से DFO सर को बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव के लोग आपके फॉरेस्ट गार्ड की तरफ मतलब उससे कई संख्या में इधर पहुंच सकते हैं आपसे पहले, आप फॉरेस्ट गार्ड जो उधमपुर से आएंगे जहाँ आपकी टीम उधमपुर से आएगी, हम पहले मतलब आपसे पहले आधा घंटा इधर पहुंच के आग पर काबू पा सकते हैं ये लोग, मगर आपका तालमेल बड़ा जरूरी है लोगों के साथ, आप कृपया करके आप गांव में आए, आप मीटिंग करें मेरे गांव के लोगों के साथ और गांव के लोगों के नाराजगी सुनेंगे, नाराज क्यों हुए लोग, आज ये आग ने इतना हड़कंप मचा रखा है, तो जो लोग देख रहे हैं लोगों को पता है, लोग इसमें देख रहे हैं कि हम बहुत मतलब पाप हो रहे हैं, मगर करें तो करें क्या, हम तो हर टाइम मेरे गांव के लोग हैं जो सहयोग कर रहे हैं फॉरेस्ट वालों के साथ, मगर फॉरेस्ट वाले हमारे साथ बिल्कुल तालमेल नहीं कर रहे हैं, कहीं छोटा मोटा कोई ट्रैक्टर रोड पुराना बना हुआ है, कोई ऐसे सीढ़ीदार बना पहले रास्ता होता था उसके ऊपर कोई पत्थर लगाते हैं उस रास्ते को बनाते हैं, वो हमें नहीं बना। आज मैं 5 साल से आपको बोल रहा हूँ कि 5 साल से फॉरेस्ट का कितने प्लान जाते हैं फॉरेस्ट में, जो फॉरेस्ट के बीच एरिया से रास्ते होते हैं हमारे देवस्थान है फॉरेस्ट में, उनके हमें डेवलप करने के लिए कोई मतलब परमिशन नहीं है, स्कूल है हमारे फॉरेस्ट से रास्ता जाता है, कई प्लान दिए हमने आज तक, मुझे मगर कोई चैलेंज करके मैं बोल सकता हूँ कि मेरे फॉरेस्ट में अगर पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई 1-10 रुपये का काम किया है तो मुझे बताएं, क्योंकि एक मिडिल स्कूल बंजाला है, सारा स्टाफ उधमपुर से आता है उसमें, और वो कैसे झाड़ियाँ पकड़ पकड़ के चढ़ते हैं, उधर पुराना रास्ता था राजे महाराजों के टाइम का, मगर वो रास्ता बनाने रिपेयर करने की परमिशन नहीं दी, हालांकि हमने नरेगा में उसके पैसे रखे, कोई कई सारे पौंड थे, कई सारे एक चिनार का ट्री था बड़े राजे महाराज 200 साल पुराना होगा, उसका हमने क्या किया, इन्होंने डिपार्टमेंट का नहीं पैसा नहीं लगेगा, जे फॉरेस्ट के बंदों ने बोला हमें, उसके लिए हमने क्या किया नरेगा में पैसा रखा, नहीं जी नहीं लगेगा, लोगों ने क्या किया खुद से मतलब अपने मतलब माल मवेशी लेके जाते थे, तो उन्होंने फॉरेस्ट का एक मतलब 200 साल पुराना पेड़ है उसके नीचे ऐसे थोड़ी बैठने के लिए जगह थी, सर्दियों में लोग बच्चे क्या करते थे उसके नीचे आग जला के, मतलब मैंने सोचा कि जो पेड़ भी डेड हो जाएगा, तो एक ही पेड़ था पूरे गाँव में, तो उसको क्या किया उसको प्रोटेक्शन देना शुरू की, तो तब भी जाके फॉरेस्ट के कुछ लोग गए और जो बंदे उधर प्रोटेक्शन दे रहे थे उनको बोला कि आपके केस पड़ जाएगा और आपको सजा हो जाएगी, तो इसलिए हमने बोला कि रहने दो,
अगर हम अगर आपका पेड़ बचाते हैं, पेड़ को प्रोटेक्शन देते हैं, तब भी अगर हम लोग गलत हैं तो फिर आग बजाना मेरे लिए, लोग जो भी बोलते हैं कि आग बजाना भी हमारे लिए गलत है, इधर भी हमें हो सकता है कोई गलत एलिगेशन लग जाए हम पे, तो ये रोष है। क्योंकि मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, खासकर सरकार से या इनके उच्च अधिकारियों से, कि फॉरेस्ट वालों को ये बोलो कि लोगों के साथ तावन रखें, जो लोकल लोग हैं जंगलों को बचाते हैं, ना कि फॉरेस्ट बचाते हैं, फॉरेस्ट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बचाता है, लोग बचाते हैं जो लोकल लोग होते हैं, उनको पता होता है कि कोई ऐसे पेड़ ना काट ले, या कोई रात को कोई गलत एक्टिविटी होती है, या दिन को कोई गलत काम करता है, तो मतलब सारा लोकल लोग ही बता सकते हैं। मगर चलो देखो, जो आपके माध्यम से मैं पहुँचाना चाहता हूँ उच्च अधिकारी तक, कि कम से कम तालमेल रखा जाए और ऐसे जो आग का हड़कंप मचा हुआ है ऐसा ना हो।